आज एक और डिश जो दाल बड़ा के नाम से जाना जाता है, दाल बड़ा। और ये आप क्या बना रही हैं आज? साउथ इंडियन डिश है। तो इसका नाम क्या है जो दाल बड़ा? दाल बड़ा। तो ये दाल बड़ा का जो प्रोसेस है, ऐसे तो जब हम कन्याकुमारी में कभी गए थे तो वहाँ पर आपको इडली डोसा सांभर बड़ा यही सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम को खाओ, और फिर जब नींद आए तो रात को खा लो, और सुबह में उठोगे तो फिर से एक भूख लग जाएगी। तो ऐसे में सॉलिड फूड केवल एक दाल बड़ा ही होता था, जो शायद हम नॉर्थ इंडियन के लिए सबसे अच्छा था। यहाँ पर इसकी जो रेसिपी है, जो इसके अंदर आपने डाला है, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इसमें आपने क्या क्या मिलाया है? वैसे चने की दाल है, 5-6 घंटे भिगो के फिर पीसी है मोटी मोटी। उसके बाद प्याज, हरी मिर्च, करी पत्ता, धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज, अजवाइन, जीरा, धनिया, नमक। तो इतना सारा इंग्रेडिएंट्स इन्होंने इसके अंदर मिलाया है, और ये कोई एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं। तो इनको ने पहले भी साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा बनाते हैं, और यहाँ पर जब इन्होंने ये सारा 5-6 घंटे जो चने की दाल थी उसको इन्होंने भिगोया और उसको मोटा मोटा क्रश किया, जो कि इन्होंने बताया। और बाकी चीज़ें जो इन्होंने बताई हैं वो वीडियो में रिकॉर्ड हुई हैं, तो आप लोग उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद ये गोल गोल लड्डू से बना लेते हैं, और इसके बाद ये जो शेप है वो आप देखिए कि इसके अंदर सेकने के लिए रखते हैं। बहुत धीमी सी आग के ऊपर आप सेक सकते हैं। यहाँ पर है कि कौन से ऑयल में बनाया जाए, तो आज के टाइम में जो ऑयल होते हैं जो हार्ट को परेशान नहीं करते, तो चाहे वो सनफ्लावर हो, या हम कौन सा यूज करते हैं? सनड्रॉप। तो हम सनड्रॉप करते हैं। बाकी आपकी इच्छा के आप प्योर घी में भी बना सकते हैं, तो घी में भी आप बना के इसको सेक सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत धीमी धीमी आग के ऊपर ये दाल बड़ा, जो कि साउथ इंडिया की बहुत पॉपुलर डिश है, जो कि आप चाय के साथ में शाम को जब आप 4 बजे आपको भूख लगती है उस टाइम में आप खा सकते हो। तो इस दाल बड़ा जो कि यहाँ पर अभी एक संख्या में 3 हो चुके हैं, तो मैं हमारा कुक है, शेफ है जो बाहर चिल्ला रहा है, उसको हम टेस्ट कराते हैं। तो ये दाल बड़ा जो कि किट्टू की डिश है, और किट्टू की प्लेट यहाँ पर मैं किट्टू के पास लेके जा रहा हूँ, जो कि हमारा शेफ जो आप देखेंगे किचन के ठीक बाहर तैयार है। तो किट्टू ज़रा खा के देखेंगे आप? हाँ, किट्टू टेस्ट करेंगे। टेस्ट करो। और ये किट्टू ने हमारा पैरट जो कि दाल बड़ा को टेस्ट कर रहे हैं, ये दिन उन्होंने खा लिया तो समझो बहुत अच्छा है। तो आपको कैसा लग रहा है किट्टू? हाँ, अच्छा है। लो यहाँ रख के खाओ। है देखो आपने ये चटनी है, चटनी के साथ तो आपने खाया नहीं। अब ये देख रहे हैं कि चटनी के साथ में कैसे लगा के खाओ। और ये किट्टू ने टेस्ट कर लिया और इसको लगा तो उसने एक पीस अपना उठा के रख लिया है और इसको खा रहे हैं। और ये किट्टू की तरफ से ये बहुत अच्छा स्वादिष्ट बना है। तो ये दाल पकौड़ा जो कि साउथ इंडियन की बेस्ट डिश आज यहाँ पर हमारा शेफ किट्टू के द्वारा पास कर दिया गया। हमारा दूसरा शेफ और है जो कनिष्क है, ये भी आज हमारे दाल पकौड़ा का स्वाद ले रहे हैं। किट्टू
वो कैनेस कैसा लगा? कैनेस हाँ कैसा लगा खाने में? अच्छा ये तो खिलाया तो है नहीं, चलो उनकी दादी जी खिला रही हैं। और ये मिर्च है इसमें हैं? चटनी तो दी नहीं, तो हमारे कनिष्क ने भी इस दाल पकौड़ा को खाया। जब छोटे छोटे बच्चे खा लेते हैं, किट्टू ने खा लिया, तो मैं भी इसको चख के देखता हूँ कि आखिर खाने में ये लगता कैसा है। इस पकौड़े का जो सही स्वाद खाने में है वो इस चटनी के साथ है, तो चटनी भी मैंने चटनी और पकौड़ा दोनों साथ मिला के खाए, तो वाकई धांस स्वाद है, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये चटनी में क्या क्या मिलाया आपने? हरा धनिया है, पुदीना है, नमक, नींबू, हरी मिर्च। तो ये यहाँ पर बताने वाली बात यह है कि हरा धनिया जो कि हमारे छत के ऊपर गमले हैं जो हमारे सुपुत्र जी मेंटेन करते हैं, हरा धनिया और दूसरा बताया आपने पुदीना, ये दोनों ही अपने खेत के ऊपर के हैं और हरी मिर्च भी ऊपर है, तो तीन चीजें ऑर्गेनिकली ग्रोन, उसका ये स्वाद यदि आप खाएंगे घर में बनाकर तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये रेसिपी बहुत आसान, बट एक ही इसके अंदर क्लू है कि इसको बहुत धीमी धीमी आग पर जब सेकेंगे तो ये ऊपर से तो ब्राउन कलर हो रहा है जैसे आप देख पा रहे हो, बट जितनी धीमी आग पर होगा उतना ही अंदर का मटेरियल भी बहुत सॉलिड होगा। जब आप दांत के नीचे उसको प्रेस करेंगे तो आपको लगेगा कि यस बहुत क्रिस्पी है। तो ऐसा आज का दाल पकौड़ा, आप इसकी रेसिपी को बनाकर अपने घर में ज़रूर खाएं। और इस वीडियो में यदि कोई कमी लग रही हो, एक्सेप्ट कि आप फिजिकली इसका टेस्ट नहीं कर पा रहे, इसके लिए आई एम सॉरी, बट घर में बनाकर आप इसको बनाएं, खाएं और वीडियो को कमेंट करें। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।